डॉक्टर मधु सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप के इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रीजन। ये इसका सेकंड पार्ट है। कल हमने फर्स्ट पार्ट में जो था इंडस्ट्रीज में लोहा इस्पात उद्योग के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, या इसका आधुनिक विकास जो है 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड से शुरू हुआ था और औद्योगिक क्रांति के साथ ही ये प्रारंभ हुआ। उस समय जो है सूत कातने तथा वस्त्र बुनने के लिए कई नए यंत्रों तथा का आविष्कार हुआ, जिससे वस्त्र उद्योग में हम कह सकते हैं एक क्रांति आई। और 19वीं शताब्दी के मध्य तक वस्त्र उद्योग जो है मैं नवीन क्रांति आ चुकी थी। और इसका जो है केंद्रीकरण उन देशों या प्रदेशों में हुआ जहाँ पर नवीन यंत्र और तकनीकी के प्रयोग के द्वारा औद्योगीकरण जो है अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ। अब इस वस्त्र उद्योग को हम दो बड़ी श्रेणियों में या दो बड़े भागों में बांट सकते हैं। एक तो था हमारा परंपरागत वस्त्र उद्योग। इसके अंतर्गत उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें कि कच्चे माल के रूप में हम कह सकते हैं कपास है, ऊन है, जूट है, फ्लैक्स आदि जो है प्राकृतिक रेशों का प्रयोग जिसमें करते हैं। ये उद्योग जो है हम कह सकते हैं कम पूंजी तथा कम विकसित तकनीकी के द्वारा जो है संचालित हो सकते हैं। इन उद्योगों का स्थानांतरण विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर होने लगा और 1950 के पश्चात ब्रिटेन, USA, जापान आदि में इसका महत्व जो है घटता गया। अब आधुनिक उद्योग के अंतर्गत उन वस्त्र उद्योगों को हम शामिल कर सकते हैं जो कि हायर टेक्नोलॉजी या उच्च तकनीक द्वारा निर्मित, हम कह सकते हैं कि कृत्रिम रेशों जैसे रेयन, नायलॉन, टेरिन आदि के द्वारा जो है उत्तम किस्म के टिकाऊ वस्त्रों का जिनमें कि जिन्हें बनाया जाता है। इसका जो विकास है रासायनिक उद्योगों के विकास के साथ साथ बहुत तीव्र गति से हुआ। अब कृत्रिम रेशों पर आधारित वस्त्र उद्योग में सेल्यूलोज है, संश्लिष्ट जो है रेशों के मध्य जो है दिन पर दिन प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और बहुत से जो हैं इसकी फैक्ट्रियों में मिश्रित धागे वाले वस्त्र भी बनाए जाने लगे हैं जिनमें सूती, ऊनी, रेशमी, जूट आदि के धागों का जो है कृत्रिम धागों के साथ उनको मिश्रित करके वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसमें टेरिकॉट है, जैसे टेरिलीन प्लस कॉटन विशेष रूप से ये उल्लेखनीय है। और इसके अलावा भी सूती और कृत्रिम धागे विभिन्न अनुपात में प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के जो हैं वस्त्र बनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी वस्त्र उद्योगों में सबसे प्रमुख जो है वो है हमारा सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम कह सकते हैं कि समस्त विश्व जो समस्त वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रमुख है और हमारी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूत कातने का जो काम है वो बहुत शक्तिचालित मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर होने लगा और बाद में वस्त्रों की बुनाई भी मशीनों द्वारा होने लगी। पहले जो थे वो हस्त निर्मित या हथकरघा उद्योग के द्वारा, लूम्स के द्वारा जो है वो वस्त्र बनाए जाते थे। और इसमें जो है ग्रेट ब्रिटेन जो है विश्व का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश बन गया यूरोप में। इसके साथ ही साथ फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि यूरोपीय देशों में भी सूती वस्त्र के उत्पादन में जो है वृद्धि होने लगी और उसमें जूट का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो वस्त्र उद्योग की के उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो यूरोप में विश्व का लगभग हम कह सकते हैं कि 10% वस्त्र उद्योग का उत्पादन अभी भी किया जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग में
जो है यूरोप में ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम इसका महत्वपूर्ण स्थान है और ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग पर एक एकाधिकार भी था। बाद में अन्य देशों में सूती वस्त्र के विकास से इसका जो है वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। ब्रिटेन में भी हम कह सकते हैं कि जो लंकाशायर जो था वो एक तरीके से वस्त्र उद्योग का पर्यायवाची बन गया। लंकाशायर और वस्त्र उद्योग, मतलब लंकाशायर के नाम से ही वस्त्र उद्योग अपने आप जो है ध्यान में आने लगा। और हम कह सकते हैं कि लंकाशायर क्षेत्र विश्व का एक बृहत्तम सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र बन गया तथा मैनचेस्टर जो है इसका सबसे बड़ा केंद्र विकसित हुआ। इसके अलावा ग्लासगो क्षेत्र, लंकाशायर क्षेत्र, यहाँ पर ये सारे स्थित हैं वस्त्र उद्योग के केंद्र। लगभग 90% जो है इसकी कताई मिले लंकाशायर क्षेत्र में स्थापित हुई क्योंकि उस समय उस क्षेत्र में के आसपास जो है कोयले के पर्याप्त भंडार थे जिसके कारण शक्ति के रूप में कोयला वहाँ पर प्रयोग किया जाता था। और इसके अलावा लंकाशायर क्षेत्र में सूती वस्त्र के कारखाने मैनचेस्टर, ब्लैकबर्न, रॉशडेल, ओल्डहम, बोल्टन, खरी, प्रेस्टन, सेंट हेलेंस, चेस्टर, स्टॉकफोर्ड, नेल्सन, डार्विन, चोरले आदि भी इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। यानी कि जो ब्रिटेन था यूरोप में ही नहीं बल्कि विश्व में भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया वस्त्र उद्योग का। लेकिन यहाँ पर जो है शक्ति के साधन के रूप में कोयला उपलब्ध था लेकिन जो कच्चा माल है जिसे हम सूत के या कॉटन कहते हैं या रुई कहते हैं वो जो है उसकी यहाँ पर कमी थी। तो वो जो है अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका, इजिप्ट, ब्राज़ील और भारत जैसे देशों से भी यहाँ पर पहुँचाई जाती थी और उसके आधार पर यहाँ पर ये उद्योग जो है विकसित हुआ। फिर दूसरे की हम बात करें तो फ्रांस जो है फ्रांस में भी आयातित कॉटन पर या रुई पर आधारित जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। यहाँ पर इसके लिए कुछ सुविधाएं थी जैसे कुशल श्रमिक कह सकते हैं, जल विद्युत शक्ति होती है जो कि हम कह सकते हैं कि सस्ती पड़ती है, कोयला से ऊर्जा, स्वच्छ जल, कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या डेवलपमेंट, यहाँ पर इसको ये सारी सुविधाएं सूती वस्त्र उत्पादन के लिए मिली और प्रमुख जो उत्पादक केंद्र थे इसके अधिकतर उत्तरी पूर्वी फ्रांस में मिले जिसमें रूबे, आबिन्स, लीले, टूरकोटेन, नानसी, बेलफोर्ट, मुलहाउस, कोलभार आदि जो है प्रमुख इसके क्षेत्र थे। फिर तीसरा जो यूरोपीय देशों में जर्मनी में भी सूती वस्त्र के कारखाने उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र थे वहाँ पर विकसित किए गए क्योंकि जर्मनी में इस उद्योग के लिए शक्ति के रूप में कोयला तो उपलब्ध था ही उसके अलावा राइन घाटी तथा बवेरिया क्षेत्र में भी इसके लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध थी और यहाँ पर जो है रीन, हम कह सकते हैं मुनचेन, ऑगस्टबर्ग, ग्लेडवास, बिलेफील्ड, ब्रीमेन आदि जो है इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बन गए। फिर
रशिया में भी कुछ स्थानों पर, रूस में भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास जो है विश्व में हम कह सकते हैं कि शुरू हुआ। और प्रमुख उत्पादक जो थे इसके मास्को, इवानोवा और लेनिनग्राड क्षेत्र इसके, और वोल्गा बेसिन तथा दक्षिणी यूराल क्षेत्र जो है इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बने। इसके पश्चात इटली में भी जो है सूती वस्त्र उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। और यूरोप का हम कह सकते हैं कि लगभग 15% सूती वस्त्र जो है धागा इटली से में उत्पादित होता है। इसके जो प्रमुख केंद्र थे वो यहाँ पर पो नदी का जो बेसिन है वो वाला क्षेत्र इसका प्रमुख केंद्र बना, तथा अल्पाइन जो कि अल्पाइन बेसिन घाटियों में स्थित है। और प्रमुख केंद्र जो था मिलान, म्यूनिक, जेनोवा, ब्रेसिया, वेरोना, कोनो, ये सारे। ये इसके प्रमुख केंद्र बने। अन्य उत्पादक देशों में हम कह सकते हैं कि पोलैंड है, पोलैंड, पुर्तगाल और रोमानिया आदि देशों में भी जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास यूरोप में हुआ है। फिर बात आती है ऊनी वस्त्र उद्योग की। ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, और इसके जो हम कह सकते हैं स्थानीयकरण में जो है कच्चा माल या हम कह सकते हैं ऊन की प्राप्ति और कुशल हम श्रम कह सकते हैं, बाजार है, पूंजी है, स्वच्छ जल है की उपलब्धता जो है वो एक महत्वपूर्ण होती है इसके विकास के लिए। ऊनी वस्त्र उद्योग जो है यूरोपीय देशों में इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, स्पेन, चेक गणराज्य, रोमानिया, पुर्तगाल, बेलारूस आदि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इटली जो है यूरोप का बृहत्तम हम कह सकते हैं कि ऊनी वस्त्र उत्पादक है, और विश्व का भी यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन जो है सर्वाधिक ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग का जो है विकास है इटली में, तीन इसके मुख्य क्षेत्र रहे हैं, एक तो लोम्बार्डी का मैदान और दूसरा आल्प्स की जो निचला क्षेत्र है या वो इसका क्षेत्र है, और तीसरा है इसका पिनाइन, एपिनाइन प्रदेश। फिर जर्मनी में भी राइन नदी के क्षेत्र में जो है वृहत उत्पादक केंद्र है इसके, जिसमें मुनचेन, ग्लैंड बार्स इसके प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा ऑगस्टबर्ग, ग्रेनाउ भी, डुसेलडोर्फ भी इसके प्रमुख केंद्र हैं। फिर यूनाइटेड किंगडम में भी या ग्रेट ब्रिटेन में भी ऊनी वस्त्र उद्योग के मुख्य तीन क्षेत्र हैं, एक तो वेस्ट राइडिंग प्रदेश, एक ट्वीट घाटी और एक है पश्चिमी इंग्लैंड, जहाँ पर ये उद्योग अधिकतर केंद्रित है। इन सब में भी वेस्ट राइडिंग जो है वहाँ पर सबसे अच्छे ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, और यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं वो ब्रेडफोर्ड, ली, डुइसबर्ग, बैकफील्ड, हार्ट्सफील्ड यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। फिर आगे हम यूरोप के उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग जो है जो महत्वपूर्ण रहा है, जो कि लोहा इस्पात पर आधारित होता है, इसके साथ ही साथ प्लास्टिक, नायलॉन, रबड़ आदि का भी यहाँ इसमें प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत अधिकतर जो है मशीनें, इंजन
मशीनी उपकरण, मोटर गाड़ी, हम कह सकते हैं जलयान, वायुयान, रेल के डिब्बे, बहुत ही बड़ा उद्योग है एक, विद्युत के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण, विभिन्न प्रकार के भारी और हल्के जो हैं उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। इस उद्योग के स्थानीयकरण में जो है कच्चा माल, शक्ति, संसाधन, पूंजी, टेक्नोलॉजी या तकनीकी विकास, बाजार, परिवहन के साधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या तकनीकी ज्ञान और पूंजी की उपलब्धता है वो इस उद्योग को क्या है सर्वाधिक आधार प्रदान करते हैं, और इसीलिए ये जो उद्योग है अधिकतर विकसित देशों में अधिकतर बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो मोटर गाड़ी उद्योग या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये एक क्या है बाजार आधारित उद्योग है जिसके अंतर्गत स्वचालित इंजन से चलने वाली गाड़ियाँ जैसे बस है, ट्रक है, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि कई चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। मोटर गाड़ी उद्योग मूलतः लोहा इस्पात पर आधारित उद्योग होता है। इसका जो विकास है यूरोपीय देशों में बहुत लंबे समय से होता आ रहा है और इसके उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है, और इसके जो दूसरी चीज़ें हैं कल पुर्जे जो हैं वो अलग अलग इकाइयों या कारखानों में जो हैं बनाए जाते हैं, और उनका हम कह सकते हैं कि एक श्रृंखला होती है इसकी, जब इनका संयोजन जो है श्रृंखला के रूप में किया जाता है और अंतिम स्तर पर जो इसका एक उत्पादन संभव हो पाता है। इसके उत्पादन में जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली और रूस, पोलैंड आदि देशों जो हैं वो प्रमुख स्थान रखते हैं। इनमें भी जर्मनी जो है मोटर गाड़ी विशेषतः कार के उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर जो है फ्रैंकफर्ट, रशेल, बोखम, स्टुटगार्ट, ऑक्सबर्ग, हानवीन, बर्लिन, डुइसबर्ग आदि इसके प्रमुख केंद्र हैं। ये सारे क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर फ्रांस कार और मोटर वाहन का सर्वाधिक केंद्रीकरण पेरिस नगर में हुआ है। यहाँ पर पेरिस के बाहर स्टर्सबर्ग, लियोन्स, रेस आदि इसके मुख्य क्षेत्र हैं। फिर यूनाइटेड किंगडम में जो है मोटर गाड़ी उद्योग का पर्याप्त हम कह सकते हैं विकास हुआ है। इसका केंद्रीकरण जो है मिडलैंड औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है, जहाँ पर बर्मिंगहम और लॉन्ग ब्रिज इसके प्रमुख उत्पादक हैं। इसके अलावा पूर्वी इंग्लैंड में काउले, ल्यूटन, डेगनहास में भी कार का निर्माण किया जाता है। इटली में जो है फिएट कंपनी द्वारा जो है कार का निर्माण किया जाता है, और इसका जो अधिकतर केंद्रीकरण है वो तुरिन नगर के निकटवर्ती भागों में स्थित है, तथा फायरेंसी, मरीफियो, मिडीना इसके प्रमुख केंद्र हैं। रूस में जो है मोटर गाड़ी उद्योग का जो विकास हुआ है वो लेनिनग्राड, उफा आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिर इसमें इंजीनियरिंग उद्योग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और एक है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। पोत निर्माण या जलयान निर्माण में जो है ये कारखाने जो है अधिकतर उन क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जिनकी स्थिति तटीय होती है या समुद्र तटीय स्थिति में स्थापित होते हैं, क्योंकि जलयान को बनाने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र की भी आवश्यकता पड़ती है, और इसका परीक्षण संचालन जो है
वो अधिकतर तटीय क्षेत्रों, बड़ी झीलों में ही किया जा सकता है। तो इसके निर्माण में पूंजी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोहा इस्पात के अलावा कुशल श्रम की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है। और अधिकांश जो है शिप बिल्डिंग उद्योग जो है विकसित देशों में ही देखने को मिलता है। जर्मनी में जो है जो भारवाही जो होते हैं ना, जैसे टैंकर वगैरह के पोत जो है अधिक बनाए जाते हैं। यहाँ पर हैम्बर्ग, ब्रेमेन, हाफेन, ल्यूबेक जो है इसके प्रमुख केंद्र हैं। ये हैम्बर्ग, फिर डेनमार्क में भी कोपेनहेगन, आलबर्ग, आलबर्ग में भी जो पोत निर्माण किया जाता है। इटली में जिनेवा, नेपल्स, रोम, वेनिस आदि प्रमुख केंद्र हैं। और फ्रांस में जो है पोत निर्माण जो है लायर नदी की जो एक्चुरी होती है उसमें प्रमुख रूप से किया जाता है, जिसमें मार्सेली, टूलन आदि इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। रूस में जल यानों का निर्माण जो है काला सागर के तट पर, निकाला से, ओडेसा, रोस्टो और बाल्टिक सागर के तट पर, सेंट पीटर्सबर्ग आदि केंद्रों में किया जाता है। नॉर्वे में ओस्लो तथा बर्जेन बंदरगाहों पर पोत निर्माण किया जाता है। पोत निर्माण के बाद आता है आपके एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री या वायुयान निर्माण उद्योग। वायुयान निर्माण उद्योग के लिए भी जो है तकनीकी ज्ञान या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें भी बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। और यूरोपीय देशों में जो है वायुयान उद्योग का विकास जो है रशिया में विशेष रूप से हुआ है। इसमें मास्को गोर्की क्षेत्र है, मास्को गोर्की उफा इसके प्रमुख केंद्र हैं। और फिर है वोल्गा यूराल का क्षेत्र में भी जो है पर्म, वोटकिंस इसके प्रमुख केंद्र हैं। और यूनाइटेड किंगडम भी यूरोप का जो है प्रमुख एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का उत्पादक देश है। यहाँ वायुयान के इंजन और ढांचे जो है दोनों का निर्माण किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ के प्रमुख केंद्रों में लंदन महानगरीय जो क्षेत्र है, और पोर्ट साउथ, ईस्ट कीव क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वुलवर, हैम्पटन, कोवेंट्री यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। फिर एक और बड़ी इंडस्ट्री है के अंतर्गत आती है हमारी केमिकल इंडस्ट्री या रसायन उद्योग। रासायनिक उद्योग बहुत ही एक हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स या जटिल या इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी विविधता वाला ये उद्योग समूह है। इसके अंतर्गत जो है भारी और हल्के रासायनिक दोनों ही प्रकार के जो है बनाए जाते हैं। और वर्तमान समय में इस उद्योग का जो है महत्व बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। भारी रसायन उद्योग के अंतर्गत अधिकतर आता है हमारा कास्टिक सोडा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रासायनिक उर्वरक है, अमोनिया है, ब्लीचिंग पाउडर है, और पल्प जो हम बनाते हैं क्लोरीन है, पोटेशियम क्लोराइड है, गंधक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और हल्के जो होते हैं उनमें के अंतर्गत आते हैं हमारे अधिकतर दवाइयाँ हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है रंग रोगन है, पेंट है, विश अलग अलग प्रकार के हमारे जो रेशे होते हैं कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, फोटोग्राफी के जो सामान होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर रासायनिक उद्योगों में एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश
आदि महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन जो है वो पोलैंड, जर्मनी, रोमानिया, नीदरलैंड, यूनाइटेड के फ्रांस आदि देशों में किया जाता है। और फॉस्फेट के उत्पादन में फ्रांस, रूस, पोलैंड महत्वपूर्ण है। और पोटाश जो है वो बेलारूस, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी में अधिक होता है। फिर एक होता है इसी से संबंधित तेल शोधन उद्योग, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी जो हमारी रिफाइनरीज होती हैं उनमें खनिज तेल को साफ करके साफ़ किया जाता है और पेट्रोलियम पदार्थ तैयार किए जाते हैं। पेट्रोल या गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन, इसमें अलग अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं। यूरोप में इस उद्योग का जो विकास है वो अधिकतर हम कह सकते हैं कि मॉस्को क्षेत्र, गोरकी, बयांस्क, फ्लोरेंस आदि में तेल शोधन कारखाने लगाए गए हैं। फिर इसी से ही संबंधित एक पेट्रो रसायन भी होता है जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ से निकलने वाले कई तरह के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर आधारित उद्योग भी जो हैं चलाए जाते हैं। फिर हमारे जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है उसमें भी रसायनों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। और यूरोप में जो है कई सारे क्षेत्रों में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय या टैगा वन से जो प्राप्त होती है लकड़ी उसके आधार पर यह उद्योग चलाया जाता है। और इसमें जो है तकनीकी ज्ञान, ऊर्जा जो है सस्ती होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जल और बाजार, कुशल श्रम, इन सब का जो है आवश्यकता पड़ती है और इस कारण ये इस उद्योग को प्रभावित करते हैं। यूरोपीय देशों में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों में जिसमें जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि लुगदी उत्पादक जो है प्रमुख देश हैं और कागज़ के उत्पादन भी यहाँ किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रांस, इटली, रूस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, स्पेन, नीदरलैंड में भी लुगदी और कागज उद्योग जो है विकसित हुआ है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो है वो लुगदी के निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ से बड़ी मात्रा में जो है इसका निर्यात भी किया जाता है। तो ये हमारे जो थे प्रमुख उद्योग थे यूरोप के। आगे हम बात करेंगे यूरोप के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में। थैंक यू।